आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अपने घर के मंदिर व पूजा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर पूजा की जाए तो पूजा शीघ्र ही फल देने वाली और घर में आर्थिक मजबूती देने वाली होती है। वीडियो पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैसे तो घर ही एक मंदिर होता है, लेकिन घर रूपी मंदिर में भी एक स्थान ऐसा होता है जहां हम अपनी आस्था व श्रद्धा के अनुरूप अपने देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखकर उनकी पूजा करते हैं और वह स्थान हमारे घर का मंदिर कहलाता है। बंधुओं, मंदिर हर घर में होता है। हर घर में सुबह शाम भगवान की पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में मंदिर से जुड़ी कुछ उन बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर हम बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम, घर में बना मंदिर वास्तु के अनुसार बना हो तो वह बेहद शुभ होता है, और यदि मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो भी उसमें रखी भगवान की प्रतिमाओं को हम वास्तु के अनुसार रखकर उस स्थान के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। जैसे मंदिर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो उस मंदिर में रखने वाली प्रतिमाओं का मुख उत्तर अथवा पूर्व उत्तर दिशा में रखकर दोष को दूर किया जा सकता है। घर में बने मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में रखी हर वस्तु व्यवस्थित होनी चाहिए। पूजा के बर्तन साफ सुथरे होने चाहिए। मंदिर में जल से भरा पात्र जरूर होना चाहिए। मंदिर के दोनों तरफ मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम आदि स्थापित करने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भगवान सूर्य की प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। गणपति भगवान एवं माता दुर्गा की प्रतिमा का मुख दक्षिण में होना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण पश्चिम में होना शुभ फलदायक होता है। मंदिर में श्री यंत्र, गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना शुभ होता है। पूजा स्थल के पास कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए, इससे प्रबल वास्तु दोष उत्पन्न होता है। पूजा घर में नियमित रूप से सुबह शाम पूजा जरूर होनी चाहिए। यदि घर के मंदिर में सुबह शाम दिया बाती ना किया जाए तो घर में रहने वाले सदस्यों को दोष कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि घर के मंदिर में गंदगी या आसपास अत्यधिक शोरगुल का वातावरण हो तो ऐसा पूजा कक्ष भी दोष युक्त होता है, चाहे वह फिर वास्तु के अनुसार ही क्यों न बना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर आकाश तत्व एवं वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तथा पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। और यदि पूजा स्थल एकदम साफ सुथरा, व्यवस्थित, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में होगा तो उस स्थान का वास्तु दोष स्वयं ही कम हो जाता है। दूसरे, मंदिर में प्रतिदिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। पूजा करते समय हम जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उसे कभी भी पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। घी के दिए के लिए हमेशा रुई की बाती का प्रयोग करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक या अन्य खंडित सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तु शुभ फलदायक नहीं होती।
यहाँ तक कि जो चावल भगवान को पूजा में चढ़ाए जाते हैं वो भी खंडित न हों। चावल भगवान को चढ़ाते समय उन्हें हल्दी में रंग लें तो यह बहुत ही श्रेष्ठ और शुभकर होता है। बस भगवान शिव की पूजा में हल्दी वाले चावल ना लें, क्योंकि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। पूजा स्थल में भगवान की पूजा करने का सही क्रम, सबसे पहले भगवान का आवाहन करना यानी कि उन्हें आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, वस्त्र धारण करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चढ़ाना, कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि चढ़ाना चाहिए। बंधुओं, पूजा स्थल से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही ढंग से की गई पूजा ही शुभ फल देने वाली होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।